हाय एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। और ये देखिए क्या है मेरे हाथ में। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या है, आज रेसिपी क्यों नहीं बना रही है। तो ये है, चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर से। इस तरीके की कुछ पैकिंग में आया है ये। और ये है, इसमें से निकाला है मैंने फोर्ट्रॉन का स्टैंड, मोबाइल स्टैंड या कैमरा स्टैंड, आप कुछ भी कह सकते हो। इस तरीके का है ये। चलो इसे खोलते हैं। इस तरीके की पॉलिथीन में आया है और इसके साथ एक ये अटैचमेंट है। ये एक अटैचमेंट है जिसमें हम फोन को अटैच करते हैं। तो अभी करते हैं इसको। पहले मैं ये दिखाती हूँ आपको। इसको देखिए, इस तरीके से तीन ये साइज भी है इसका। चलो इसे ऐसे ही रख के दिखाती हूँ। ये तकरीबन एक फुट की लेंथ के लिए है। और अगर हम इसके ये क्लिप खोल देते हैं, ये इस तरीके से क्लिप खुल जाते हैं। और अगर आपको इस लेंथ पे कोई शूटिंग करनी है तो ये आ गई, 2.25 फुट की लेंथ है ये। ऐसे ही इसमें तीसरा क्लिप है, दूसरा क्लिप है, ये देखो। और इसको यहाँ बंद कर देना है ऐसे। जितनी भी लेंथ पे आपको चाहिए इन क्लिप्स को बंद कर देंगे। ये हो गया, ये आ गया हम तकरीबन 3 फुट, 2.5 फुट कह सकते हैं। और ये हमारा लास्ट क्लिप है जिसे हम खोलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से इसे हम लगा देते हैं। अब इसमें एक देखिए, ये ना ये इस तरीके से भी हो जाता है, यहाँ पे सेट हो गया इस समय। यहाँ पर ये इसका पॉइंट होता है, इसको लूज करेंगे। और एक एक पॉइंट इसमें यहाँ पर है लूज करने के लिए। ये पूरा इस तरीके से इसकी हाइट और बढ़ जाती है यहाँ पर। और जब ये इस तरीके से जाता है यहाँ पर, ये सर्कल इसको होल्ड करता है। और यहाँ से आप इसे टाइट कर दोगे, यहाँ से ये जो यहाँ पर है इस वाले से टाइट कर देंगे तो अब ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब अगर हम इसे पतला करना चाहते हैं, मीन्स ये ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, जैसे मैं इसे थोड़ा ऊंचा कर देती हूँ। और इसको हम इस तरीके से कम जगह में भी रख सकते हैं। आप देख रहे हो कम जगह में भी आ गया और हाइट ज़्यादा हो गई। यहाँ पर मैं पूरा खोल के दिखाती हूँ, ये पूरी हाइट है इसकी। और अगर आप हम इसे थोड़ी ज़रा हाइट इसकी कम करना चाहते हैं, चौड़ी जगह में इस तरीके से रखना चाहते हैं, तब भी रखा जाएगा। ये एक अटैचमेंट आया इसके साथ है, हो गई मन। ये अटैचमेंट है जिसमें मोबाइल कैरी होगा इस तरीके का कुछ, ये पीछे से है यहाँ पर। और ये इतना इस तरीके से घूमता भी है, देखो। आप इसे हटा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। इसके पीछे यहाँ पर एक अटैचमेंट है, ये DSLR के लिए है, इसमें DSLR लगता है। अब ये हमने इसको इसमें अटैच करना है। ये जो पिन है ना वो इधर आएगी, यहाँ लगेगी पिन। इसको होल्ड करेंगे ऐसे और इसको पूरा होल्ड करेंगे इसको, और इस तरीके से लगाकर यहाँ पर छोड़ देंगे। ये देखो, अच्छा चलो इसमें हम अटैच करके देखते हैं मोबाइल कैसे अटैच होता है इसमें। ये देखें, इसको इसको थोड़ा सा खींचना है, ये जो ऊपर वाला है इसको इस तरीके से खींचेंगे। और ये मोबाइल हमने लिया इस तरीके से, और थोड़ा सा और इसको इस तरीके से अटैच कर दिया। ये बैक कैमरा इधर आएगा और ये पूरा इसको ग्रिप बना लेता है। चलो यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये देखो, यहाँ से ये जो इसका ये जो है लूज हो जाता है हैंडल,
इसको थोड़ा लूज़ करेंगे तो आप देख रहे हो कि हम इसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं, आपको जैसे भी शूटिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट ये भी है, इसे थोड़ा लूज़ करेंगे तो हम इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं, किधर भी चारों तरफ मूव कर सकते हैं। और इसको फिर हम जहाँ हमें चाहिए वहाँ पे हम इसे टाई कर देंगे, और जहाँ हमें इसे ये चाहिए पोजीशन यहाँ पे इसे हम टाई कर देंगे। सेम ऐसे ही अब हमें इसकी हाइट अगर बढ़ानी है, जैसे मैं फुल दिखाती हूँ आपको, तो हम ये इतनी हाइट पे इसको शूट कर सकते हैं। ये तकरीबन 4-4.5 फुट का पूरी हमें लेंथ इसकी मिल जाती है। पोट्रॉन का ये स्टैंड है, ब्रो 550 ट्राईपॉड है, दिख रहा है पूरा क्लियर? हाँ हाँ, ब्रो 550 ट्राईपॉड। ये इसके सारे यहाँ पर वो दे रखे हैं अटैचमेंट किस तरीके से होंगे। अब ये है पूरा इसका व्यू यहाँ पर। अब इसके साथ देखिए एक बैग भी आया, जैसे इन्होंने दिखाया है ये बैग है। इस बैग में आप जैसे बाद में कैरी करना चाहते हो ट्राईपॉड को, बिल्कुल छोटा कर लीजिए और इसके अंदर होल्ड करके आप इसको इस तरीके से बंद कर दो और कैरी भी कर सकते हो, शोल्डर पे कैरी हो सकता है। और इसकी प्राइस